बाद की तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैं तुम्हारे अस्थि रंग देख रही हूं। एक दरिंदा भी अपने बच्चों और अपने घर की हिफाजत करता है, तुम तो दरिंदा कहलाने के भी काबिल नहीं हो। आपको बात करनी चाहिए हबीब सबको बिठा के। आप बड़े इस घर के, दोबारा ऐसा ना हो, मेक श्योर करें ना। ठीक कह रहे हो तुम। अकलौता है ना वो, तो भाई साहब और भाभी ने उसे बहुत बिगाड़ के रखा हुआ था, और भाई साहब के जाने के बाद वो कुछ ज्यादा ही आजाद हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थक गए यार। खाना लगाऊं? हाँ। क्या हुआ है घर में? बड़ी खामोशी है। फाखिर भी नहीं आया ऑफिस। हबीब का भी मुंह ऐसे फूला हुआ था, करीब करीब सुनाई है उसे किसी ने। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा था। अब क्या बताएं आपको, आज बहुत कुछ हो गया है घर में। हबीब और फाखिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। अच्छा, हबीब ने फिर कोई नया फैसला सुना दिया? अरे फैसला सुनाने के तो काबिल ही नहीं रहा हबीब। घर के बच्चों ने उसे मुंह के बल गिराया है जमीन पर। एनी ने तो ऐसी सुनाई है ना बाप को, कहा किया ही क्या है सारी जिंदगी, बाप होने का फर्ज अदा तो किया नहीं, और बेटी से बेइज्जती करवा के सहा नहीं गया तो उस पर हाथ उठा दिया। बेटी पे हाथ उठा दिया? दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? अरे वो तो शुक्र करें कि फाखिर वहां आ गया और उसने रोक दिया और धमकी दी कि अगर आपने एनी पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सब कुछ हो गया घर में और तुमने फोन करके बताया भी नहीं मुझे? बाप को क्या बताएं, रोज तो होता है ये तमाशा इस घर में। तमाशा क्या, हंगामा बोले हंगामा। अम्मा ने तो अदालत लगाई और कटहरे में खड़ा कर दिया हबीब को, सब खिलाफ हो गए हबीब के। चलो ये काम तो अच्छा हो गया, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, अब खुल के दुश्मनी करेंगे दोनों। और इसका फायदा होगा हमें, हबीब और फाखिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। हबीब के बच्चे और बीवी तो उसके रहे नहीं, अम्मा उससे सख्त नाराज है, ये सब आपस में उलझते रहेंगे, बस हमें इसका फायदा उठाना है। अच्छा चले आप हाथ मुंह धोने, में खाना लगाती। आप बिल्कुल ठीक किया आपने, पता यही मौका था आपके पास सबको बताने के लिए कि आप हबीब भाई के साथ खड़ी हूँ। अच्छा किया आपने कि अपनी सास के सामने जाके हबीब भाई की अहमियत वाजे कर दी। सिर्फ हबीब की अहमियत वाजे नहीं की मैंने, मैंने अपनी अहमियत भी वाजे की है। अगर समझदार होंगे ना तो समझ जाएंगे कि मैं और हबीब एक साथ खड़े हैं, और ये जितनी भी कोशिश कर लें कोई कोई हिला नहीं सकता हमें। भाई बड़े मुझे मौका देंगे। आप मैं तो कहती हूँ सोच समझ कर चलो, अभी तुम्हें दिन ही कितने हुए वहाँ गए हुए, ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। मेरे लिए क्या मुश्किल खड़ी करेंगे ये लोग, मैं इसीलिए तो आई हूँ इस घर में। जब तक हबीब को उसकी राइटफुल जगह नहीं दिला दूंगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगी, और जो जो जगह समीना के पास है वो मेरे पास होनी चाहिए ना अब। अरे समीना भाभी का क्या है, उनको आपसे कौन सा मसला है, असल मसला तो आपके लिए आयशा आपा है। आपकी सौतन है आपा, आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए, आपके लिए सारी रुकावटें सारी मुश्किलें वही खड़ी करेंगी। नहीं भाई मुझे आयशा का कोई डर नहीं है, वो तो बेवकूफ है, और वैसे ही वो तो अब रोती रहेगी इस घर में किसी कोने में बैठ के। अरे क्या मसला है आपको? मेरा मसला समीना है आलिया, समीना भाभी बहुत चलाक है, बहुत होशियार है, अगर वो एक बार हाथ आ जाए ना तो चीजें बहुत आसान हो सकती है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी दुश्मन हबीब की वो ही है, और हबीब का और मेरा मुकाबला ही नहीं सही है, और किसी से नहीं है। लेकिन समीना भाभी आपके लिए मुसीबत क्यों बनेंगी, उनका आपसे क्या लेना देना है? तुम नहीं समझते हो ना आलिया, घर के सारे मैटर्स में उन्हीं का हाथ होता है, सारे डिसीजंस वही लेती है। तो वही मसला है ना, एक बार अम्मा के सामने उन्हें किसी तरह नीचा दिखा दूंगी तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वैसे आपा आपसे ना लड़ाई बचाए ना, वैसे ये आइडियाज आते कहाँ से आपके पास? वैसे एक बात बताऊं, मैंने सोच लिया मैंने करना क्या है।
कालिया। अच्छा मैं चलती हूँ, सांस बुला रही है मेरी। कालिया, जमशेद, पानी दे कोई। कालिया, आलिया, 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 जमशेद, जमशेद पानी, आलिया, आलिया, जमशेद। क्या होगी, क्या करूँ, समझ में नहीं आ। मैं गिर गए पर आज फोन कर दिया। आजकल कहाँ है? मुझे फोन उठा दे। अब आप फोन उठा दे। चल समझ नहीं हो रहा मैं बैठी क्या करूँ यार, फोन भी नहीं उठा रही, क्या करूँ। आलिया, आलिया, क्या हुआ, तबीयत सही है, सब खैरियत है? अरे आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मेरे ना सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है। खैरियत, सुबह तो बिल्कुल ठीक छोड़ के गया था तुम्हें, ये अचानक कितनी बीमार कैसे हो गई? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, बीमारी बता के थोड़ी आती है जमशेद, आपको मेरा सारा एहसास नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, एहसास है तभी तो कह रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई थी तो एक फोन कर देती मुझे, मैं जल्दी आ जाता, डॉक्टर के पास ले जाता। मुझे अपना ही होश नहीं था जमशेद, मैं आप क्या क्या फोन कर दी। तो डॉक्टर भी नहीं बैठा होगा। अच्छा एक काम करो, मैं पानी लेके आता हूँ, तो अभी तो जो बुखार की दवा पड़ी है वो खा लो, फिर कल डॉक्टर को दिखाता हूँ, मैं पानी लेके आ रहा हूँ। अम्मा, आलिया, आलिया, अम्मा, आलिया, 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 यहाँ देखो अम्मा को क्या हो गया। एनी कहाँ है? कमरे में भाभी। जानती हूँ कमरे में, इसीलिए पूछ रही हूँ कि वो कमरे में क्या कर रही है, यहाँ क्यों नहीं है। भाभी आप किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? ये कि तुम्हारे और एनी की वजह से अम्मा जी से बहुत बातें सुनकर आ रही हूँ मैं, उन्होंने शायद एनी को कमरे में बैठे देख लिया है। भाभी एक सालन बना लिया है उसने, अभी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए गई है वो। एक सालन बना ली? मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने तुम्हें
साफ साफ कहा था कि उसे अपने साथ लगाओ, आटा गूंदना सिखाओ, रोटी बनाना सिखाओ। बुलाओ उसे जल्दी। भाभी मैंने 4 सालन बनाने सिखा दिए हैं उसे, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाएगी। आटा भी गूंदना सिखा दूंगी लेकिन रोटियां भाभी मैं खुद बनाऊंगी। क्यों रोटियां तुम क्यों बनाओगी? भाभी एक वक्त में यहाँ पर 1-2 रोटियां नहीं 17-18 रोटियां बनती, तन्नी से बच्ची किस तरह बनाएगी? जब मेरी शादी हुई थी ना, तुम भूल गई हो कि मैं ऐनी की उम्र की थी। पहले दिन से इस घर में मैंने 20-20, 25-25 रोटियां बनाई है एक वक्त की। उस वक्त साइकिल और फैमिली भी इस घर में मौजूद थे, इस घर से ज्यादा लोग थे। तुमने तो बाद में आके किचन संभाला था, याद है ना? भाभी आप सही कह रही हैं, मैं कब कह रही हूँ, आप क्या गलत कह रही हैं। लेकिन आजकल के बच्चे आप जानती हैं नाजुक होते हैं, उनको थोड़ा वक्त तो दे। वक्त दे चुकी हूँ, बहुत वक्त गुजर चुका है। इस घर की बहू है, उसे इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। मैं अम्मा से और बातें नहीं सुन सकती, बस कह दिया ना, बुलाओ उसे, अपने साथ लगाओ, सिखाओ उसे अभी इसी वक्त, समझी तुम? एनी, मुझे जरूरी बात करनी तुमसे। हाँ फाखर, बस एक सेकंड, बस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर। यार छोड़ो उसको, कट ऑफ। क्या हरकत है ये फाखर? मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ, तुम अपने क्वेश्चंस में पड़ी हुई हो यार, सुनो तो सही मेरी बात। किताबें तो अब तुमने फेंकी थी, बोलो क्या बात है? बाबा के नाम की कुछ फाइल्स थी, जरूरत है मुझे उनकी अभी। वही फाइल जो तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, घर में भी देख ली है, ऑफिस में भी देख ली, कहीं नहीं मिल रही है। अगर ऑफिस में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, तो फिर कहाँ गई वो फाइल्स? और ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में जो हमारे खावर साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि वो जो भी फाइल्स हैं वो चाचू के पास है। तुम जाओ यार उनसे बोल दो मुझे। नहीं भाई नहीं, सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं अब्बा से बात नहीं करी, उनके पास नहीं जा रही मैम। और अगर तुम्हें उनसे कोई बात करनी है तो तुम जाओ कर लो। मैं क्यों बात करूँगा उनसे, मुझे कोई शौक होगा उनसे बात बात करने का? तुम चली जाओ यार, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, क्योंकि अगर मुझे कल टैक्स जमा करवाना है उसके, और मैंने नहीं करवाया तो बिला वजह जुर्माना लगेगा और फैक्ट्री भी बंद होने का खतरा है, समझो उस बात, प्लीज जाके मान लो उनसे। फाखर तुम ये बात नहीं समझ रहे कि अगर चलो मैं तुम्हारे कहने पर अब्बा के पास चली भी गई, उनसे बात कर ली मैंने, तो वो कौन से मेरी बात सुनेंगे, ना ही वो मेरी बात का जवाब देंगे। और ये बात तुम्हें हमें अच्छे से पता है कि अगर तुम जाओगे उनके पास और उनसे कहोगे कि ऑफिस का मामला है, फैक्ट्री का मामला है, तो वो तुम्हारी जरूर सुनेंगे। मेरी बात क्यों सुनेंगे? तुम्हारी ही सुनेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ चली जाओ यार उनसे मांग लो। अरे तुमसे फायदा ही नहीं है मांगने, कुछ खुद ही कर लूंगा मैं, एक काम के तो 10 बहाने शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। फाखर काम की बात नहीं है, तुम्हारे और अब्बा के ऑफिस की बात है, बिजनेस की बात है, इन मामलों में मुझे मत इन्वॉल्व किया करो। और अगर काम की बात है भी तो मुझे बताओ, कोई काम बताओ मैं कर लूँगी। कि खुदा का वास्ता है, तन दे आप, आपको कोई काम वाम करने की ज़रूरत नहीं, खुद ही कर लूँगा मैं। एक काम कह दो, अपने करवा लो सारे काम मुझसे। फाखिर बात सुनो मेरी, फाखिर फाखिर चला गया। चाचू मैं आपकी कोई बात सुनने नहीं आऊँ ना, मैं आपसे बात करने आया हूँ, मुझे कागजात देते हैं, मैंने कल टैक्स जमा करवाना है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें टैक्स जमा करवाने का, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी और तुमने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, और जब पता लगा तो कागजात नहीं मिल रहे थे,
आपको तो पता था ना इसके बारे में, और कागजात भी आपके पास थे, आप मुझे बता सकते थे। अच्छा, वैसे तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो। अब इस मामले में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? कोई जरूरत नहीं आपकी मदद की, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आप भी इस कंपनी में काम करते हैं और आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी मेरी है, लेकिन आप कागजात रख के बैठे रहे और सारा वक्त बर्बाद करते हैं। एक मिनट, मैं इस कंपनी के लिए जो काम करता हूँ वो पूरा करता हूँ, ये मेरा काम नहीं था। अपनी गलतियां दूसरों पर मत डालो, और अगर तुम्हें कारोबार का इतना पता होता तो तुम्हें ये भी याद रहता कि कारोबार ऐसे नहीं चलते हैं। मुझसे बहस करने से बेहतर है जाकर टैक्स जमा करवाओ। सब समझ रहा हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं परेशान हूँ, है ना। एक बात आप याद रख लें कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो मुश्किलों से भागे, और आप मुझे इस बिजनेस से बिल्कुल नहीं हटा सकते। तमीज नाम की कोई चीज तो है नहीं तुम्हारे अंदर। चल जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। बड़ा कागज कागज कर रहे हो तुम। कागज तो तुम्हारे मरहूम अब्बू के नाम पर है ना, तो तुमने अगर टैक्स पे कर भी दिया तो उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? आखिर तुम अभी अंडर एज हो बेटा, टैक्स पे नहीं कर सकते। अब जैसे तैसे अगर कर भी दो तो कंपनी का टैक्स तो पे नहीं होगा ना। मेरी मानो तो तुम अपने चचा के नाम पर कर दो कागज, उससे टैक्स तो पे हो जाएगा कंपनी का, और तुम्हारे मरहूम अब्बा का कारोबार भी चलता रहेगा। जिस बात ही हो कि नहीं करते ऐसे फैसले, अकल से सोचते हैं ना। समझ नहीं रही इसको बात, है ना। समझ आ जाएगी उसे। ये लो तुम्हारे खाना लेकर आई, खा लो। क्यों ले आई आप, ये क्या जरूरत थी इसकी? इसलिए कि मैं आजकल देख रही हूँ ना, तुम ठीक से खाना खाते हो ना वक्त पे खाना खाते, पता नहीं क्या करते हो तुम। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं ऑफिस से खा के आ चुका था। जानती हूँ मैं ऑफिस में तुमने क्या खाया होगा और कैसे खाया हो। काम जरूरी है तो अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, खाना खाना भी जरूरी। मैं तो कहती हूँ रात का खाना कम से कम घर वालों के साथ खाया करो। हैनी को भी मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारे साथ खाना खाया, लेकिन सुनती नहीं। मैंने उसको मना किया था, खाना खा लिया करे, मेरा थोड़ी पता होता मैं कब आ रहा हूँ कब जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था तुम खाना खा लिया करो। गलत बात, ये लो शुरू करो। शाबाश। क्या हुआ, पसंद नहीं आया ना? मुझे पता था गलती मेरी ही है। एनी बेचारी अभी खाना बनाना सीख रही है, मैं पहले पसंद का खाना उसे बनाना सिखा दूंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी खा लो, कोई बात। शाबाश। अच्छा मैं खुद बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए, चलो। बहुत परेशान हूँ मैं। क्या हुआ बताओ। मुझे लग रहा है बाबा का कारोबार बंद हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम, क्या 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 हुआ है बताओ तो सही। कि आपका और फाखिर का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटा। कैसे ये देख रही हो ना तुम, बेवकूफ बना रही हो मुझे, पागल नजर आ रहा हूं मैं यहां पर? सच बता रही हूं मैं आपको अब्बा। अब्बा मत कहो मुझे। हबीब, हबीब
रुको, मुझे तुमसे बात कर। भाभी अगर आपको कागजात के बारे में बात करनी है तो वो मुझे नहीं पता कागजात कहाँ हैं। देखो अभी जहीर के जाने के बाद कारोबार के सारे मामलात, सारे कागजात, सब कुछ तुम्हारे सपुर्द। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा भाभी, फाखिर भी मुझसे यही पूछ रहा था। मैंने उससे भी यही कहा है कि मेरे, आप एक काम करें, वो जहीर भाई साहब के कागजात थे, आप अपने कमरे में देखें, अलमारी वगैरह में, आपको वहीं से मिलेंगे। जिस अलमारी में जहीर सारे कागजात रखते थे, उस अलमारी को मैंने छान मारा, वो कागजात वहाँ नहीं है। अगर वो उस अलमारी में नहीं है ना, फिर घर पर नहीं है, ऑफिस में। ऑफिस, ऑफिस की बात कर रही हैं आप तो वो अब आप फाखिर से पूछें। अब वो जा रहे हैं ऑफिस, वो देखते हैं ना सारे मामलात, उन्हें पता होगा कहाँ रखे हैं फाइल। तो अब जाता है ना, उससे पहले तो तुम थे ना, तुम्हें सब कुछ पता था कौन सी चीज कहाँ। वो तो अब जाने लगा है, उसने वहां देखा है, वो फाइल वहां नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं भाभी, मैंने छुपा दिए वो कागजात? मैंने, आप ये कहना चाह रही हैं? पहले आपने कहा कि मैं कारोबार ठीक से चला नहीं रहा, फिर आपको लगा कि मैं कारोबार डुबो दूंगा, कल को आप कह देंगे कि मैं वहां से पैसे चुरा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कह रही भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि फाखिर बहुत परेशान है, वो जो फाइल है वो बहुत जरूरी फाइल है, कुछ टैक्स जमा कराना है, कुछ मसला है, बड़ा मसला। अगर तुम्हारे पास वो फाइल है या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो मुझे बता दो। टैक्स तो जमा होना जरूरी है ना, कारोबार खुदा ना खास्ता बंद तो नहीं हो सकता ना। इस कारोबार से तो इस घर के खर्चे पूरे होते हैं, खुदा ना खास्ता इस कारोबार में कुछ मसला हो गया तो हम क्या करेंगे? सिर्फ मेरे नहीं, पूरे घर के, जरूरी है वो। मैं कब चाह रहा हूँ कि कारोबार बंद हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ कि कारोबार फले फूले चले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता भाभी कागजात कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक दफ़ा मैं ऑफिस में देख लूँगा, मुझे कागजात मिल गए तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? सही वाले डालियो। जी एक काम था तुमसे। मुझे पता था कोई काम होगा तो ही फोन आएगा, वैसे भी हमें तो जाके वहां भूल ही गई हैं। काम की बात कर ले प्लीज। बिल्कुल करें काम की बात। सुनो मेरी बात, अगर कुछ प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर्स में नाम चेंज करवाना हो तो हो सकता है? मतलब हबीब अहमद का नाम लिखवाना अगर मिल्कियत में, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखें काम की नौइयत कुछ इस तरह की है कि पैसे थोड़े से ज्यादा लग जाएंगे इसमें। अच्छा तकरीबन कितने पैसे होंगे? यही कोई 2 लाख रुपए लग जाएंगे। काम थोड़ा मुश्किल है, समझा करें, पैसे इससे ज्यादा लगते हैं, वो तो आपकी वजह से मैं जरा ख्याल कर रहा हूँ। 2 लाख बहुत ज्यादा है। ठीक है मैं कुछ करती हूँ, लेकिन काम प्रॉपर बिल्कुल पक्का होगा राइट? काम की परवाह मत करें आप, काम पक्का ही होगा, लेकिन याद रखिएगा पैसे मुझे एडवांस में ही चाहिए। हाँ ठीक है, पैसों का कर लूंगी मैं, पैसों का हो जाएगा। ठीक है मैं कॉल करती हूँ मैं वापस, सही है? ओके ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। भाभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, कंपनी का टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो फाइल गई कहाँ। मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिली मुझे। हम तो ये सोच सोच के परेशान है कि अगर घर में फाइल नहीं है और
हबीब भी कह रहा है कि उसके पास फाइल नहीं, तो फाइल गई कहाँ? समीना भाभी, हमें तो लग रहा है कि हबीब झूठ बोल रहा है, फाइल उसी के पास है, उसी ने चुराई है। नहीं समझ आ रही कि हबीब ऐसा क्यों करेगा, इससे तो कंपनी को नुकसान होगा ना, ऐसा क्यों करेगा वो? वो यही तो चाहता है कि कंपनी को नुकसान हो। वो कंपनी पे होल्ड जरूर चाहता है, लेकिन कंपनी का नुकसान नहीं। भाभी आप घरेलू खातून हैं, आप नहीं समझ सकती हैं कारोबार की चालाकियां, और वैसे भी आप पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हैं। आपको ये कागजात अपने पास संभाल के रखने चाहिए थे। क्या कागजात संभालती मुझे, उस वक्त होश ही कहाँ था? ना होश नहीं था, कागजात क्या देखती, और वैसे भी मेरे जहन में ये था ही नहीं कि घर से कागजात कहाँ जाएंगे। ओ भाभी, ये बेफिक्री के मामलात नहीं है। और कागजात पर जहीर भाई का नाम था, मिल्कियत है वो कागजात उनकी, इधर उधर हो गए तो खुदा ना खास्ता सब खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ मुझे यकीन है फाइल हबीब के पास ही है, वो बस देना नहीं चाह रहा। हाँ बिल्कुल समीना भाभी, मैं तो ये परेशानी हो रही कि अगर उसके पास ये कागजात हैं तो हत्थे कैसे चढ़े। बस अब आप चुप नहीं रह सकती, आपको कुछ करना ही होगा। ऐसे कैसे कागजात छाए मैंने उससे, वो कहते हैं उसके पास नहीं है। उसी के पास है, मान नहीं रहा। इतना झूठ तो नहीं बोलेगा मुझसे वो। आ गए आप? हाँ। आपसे कुछ एक जरूरी बात करनी है, बैठेंगे? क्या आप बैठें तो बोलो। मैं दरवाजा बंद करती हूँ। बात करनी थी आपसे। क्या क्या बात है? अभी मुझे बताए पेपर्स आपके पास हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइल में से जहीर भाई का नाम हटा के आपका नाम लगा देना है। हाँ पेपर्स तो वैसे ही वो में हुए, जब मिलेंगे तो आपका नाम लग के सामने आएंगे, और हम टैक्स पे कर देंगे ना लेट फीस के साथ। अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो बस ये जानती हूँ अबीब कि कुछ सिला नहीं मिलना इस घर में आपको। सारी जिंदगी खिदमत की है ना यहाँ आपने लोगों की। हाँ कारोबार के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, इस घर के लिए, सब के लिए किया, क्या मिला? खिलाफों के खड़े हो जाते हैं सारे, जब दिल चाहता इल्जाम लगा देते। अभी मैं जानती हूँ आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, उसका फल मिल रहा है। ये हमें खुद ही लेना पड़ेगा ना ये फल। अभी इतना ना आसान नहीं है, ये सबसे बात करनी पड़ेगी। जिस जिसका इस घर में हिस्सा है उन सबकी रजामंदी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस बात के लिए राजी होगा कि मैं अपना नाम लिख दूं चेंज करके। मुझे पता है कोई राजी नहीं होगा, जानती हूँ मैं, वही तो समझा रही हूँ। दो तरीके होते हैं हर काम को करने के, एक सीधा तरीका और एक महंगा रास्ता। हम महंगा रास्ता चुन रहे हैं। सिर्फ 2 लाख रुपए लगेंगे अभी, और अथेंटिकली जहीर भाई के नाम की जगह फाइल में आपका नाम आ जाएगा। क्या मेरी दोस्त का भाई है, हर टाइम से यही काम करता है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। मैं गारंटी ले रही हूँ ना अभी, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर होगा। आपको नहीं समझ आ रही ना, आप इसी तरह करते रहे, सही है? कुछ नहीं मिलना आखिर में ऐसे, मुझे भी ख्वार करेंगे, खुद भी ख्वार। क्या हो गया अबीर? इधर ही रखी थी मैंने कागजात की फाइल, अब पता नहीं कहाँ चली गई। फाइल? ऐसे कैसे गई, चली जाएगी? मतलब ऑफिस ले गए होंगे शायद आप।
ऑफिस में नहीं रखी थी मैंने फाइल, मैं घर लेकर आया था फाइल। मुझे घर लेके आए होते हबीब तो यही होती ना, हो सकता कहीं रख के भूल गए हो, चेक तो कर ले। ऐसे कैसे कहीं रखी होगी, वहीं रखी थी, कागजात की फाइल है ये, किसी ने गायब की है यहाँ से। मैं समझ गई किसका काम है। इसका कागज की, पेपर्स की सबसे ज्यादा जरूरत किसको थी? फाखिर को। और वो खुद तो इस कमरे में आ नहीं सकता, उसका एक्सेस नहीं है यहाँ, तो उसके लिए कौन करेगा ये काम? कौन कर सकता है उसके लिए काम बताएं? एनी? मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि उसी ने किया है। उसकी इतनी हिम्मत? अरे एनी तुम तैयार हो गई? मैंने तुम्हारा नाश्ता भी नहीं बनाया अभी तक। हाँ अम्मा कोई मसला नहीं, आप एक काम करें, मेरा ना लंच पैक कर दें, मैं स्कूल में खा लूंगी। हाँ वो तो मैं कर दूंगी गुड़िया, लेकिन तुम इतनी बेचैन हो रही हो स्कूल जाने के लिए। अम्मा रिजल्ट है ना मेरा, बस दुआ करें अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। बहुत अच्छा होगा रिजल्ट इंशाल्लाह, तुम देखना इतनी मेहनत की है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चले मैं निकलती हूँ। जी अब्बा। शर्म नहीं आई बाप को धोखा देते हुए? क्या कह रहे हैं आप अब्बा, मैंने क्या किया? अपने बाप को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें? बेटियां तो बाप का सहारा होती हैं, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाती, उन्हें सुकून देती हैं। तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई? हबीब क्या हो गया आपको? किसी गैर की बच्ची लेकर नहीं पाली, आपकी बेटी आप ही का खून है जिसको इतने ताने सुना रहे, क्यों? ऐसी बेटी से बेहतर है पैदा ही नहीं होती। हे? मेरे कमरे से कागजात चुराकर फाखिर को क्यों दिए? कौन से कागजात? मैंने फाखिर को कोई पेपर्स नहीं दिए। झूठ मत बोला। नहीं किया तुमने? वह नहीं अम्मा नहीं, कसम से मैंने आखिर को कोई कागजात नहीं दिए। भाई ये सब झूठ है, तो आपके कमरे में इतने दिनों से गई भी नहीं हूँ, और मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूँगी? आपको कोई गलत फहमी हुई अब्बा। हाँ फाखिर ने मुझे किसी कागजात के बारे में पूछा तो था, लेकिन मैंने उससे यही कहा था कि ये तुम्हारा और अब्बा का कारोबार का मामला है, तो मुझे बीच में मत लेकर आओ। और आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि आपका और फाखिर का मामला है, मुझे बीच में मत घसीटा। ये कैसे ये देख रही हो ना तुम? बेवकूफ बना रही हो मुझे, पागल नजर आ रहा हूँ मैं यहाँ पर? सच बता रही हूँ मैं आपको अब्बा। अब्बा मत कहो मुझे। अब्बा मत कहो मुझे। बाप का इतना एहसास होता तो अपने शौहर का साथ नहीं देती तुम। सिर्फ जबान चलानी आती है बस। तुमने क्या हुआ? कुछ नहीं है, सब राहिला के करतूत थे, उसी ने भर के भेजा होगा। सुनो मेरी जान तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, ठीक है जाओ, दिल छोटा नहीं करो, देर हो रही है तुम्हें, स्कूल जाओ चलो। हाँ मेरी जान।
ओके क्लास। इस मर्तबा क्लास में टॉप करने वाली लड़की का नाम है कुरतुल ऐन। तुमने हाई स्कोर किया। थैंक यू। Congratulations. Thank you so much, Mom. अम्मा ले लो ना, अम्मा थोड़ी ताकत आ जाएगी ना। अम्मा आज तो डरा ही दिया था आपने, जब इतनी तबीयत खराब थी तो क्या जरूरत थी कमरे से उठ के जाने की। खुदा ना खास्ता कुछ ज्यादा लग जाती तो। जमशेद मुझे कोई शौक नहीं था उठ के जाती मैं ऐसी खराबी तबीयत में। प्यास से हलक सूख ही जा रहा था, आवाज़ें दे देखे थक गई आलिया को। वो अल्लाह की बंदी उठ के नहीं आई। अम्मा उसे आपकी आवाज़ नहीं आई होगी, वरना वो तो फौरन भाग के आके आपको पानी देती। ये कोई हजार गज का बंगला है जो आवाज़ नहीं पहुंची उसको है? दो कमरे का तो घर है। कमरा बंद करके बिल्कुल सुम्बम बुकम बनी बैठी रही वो, ताकि उसको आना ना पड़ जाए इधर। कैसी बातें कर रही हैं आप? सही बात कर रही हूँ मैं। वो चाहती है कि मैं जो हूँ ना मर जाऊँ और वो यहाँ पर हुकूमत करे। अम्मा आप आलिया के बारे में इतना गलत क्यों सोचती हैं? अरे वो बेचारी तो खुद बहुत बीमार है, मतलब बुखार से तड़प रही है बेचारी। मैं जब आया ना बाहर से तो वो बेड पे लेटी हुई थी, उसे तो पता भी नहीं था आपकी तबीयत का कुछ। तुम ये यकीन करो उसके ड्रामेबाजियों पर हैं, इतने भोले हो तुम, कोई उसकी तबीयत ख़राब नहीं है। वो जानबूझ के कमरा बंद करके बैठी रही, पता नहीं फ़ोन में लगी रही कि क्या करती रही, ताकि मेरे पास नहीं आना पड़े उसको। माँ आप एक काम करें ना, आप कुछ दिन के लिए आयशा आपा की तरफ चली जाएं, जब आपकी तबीयत ठीक होगी मैं आपको ले आऊँगा। आयशा के घर चली जाऊँ? ब्याहती बेटी के घर? अब अम्मा तुझे इतनी बोझ लगने लगी है, जाके दामाद के टुकड़ों पर मैं पड़ जाऊँ? क्या हो गया है तुझे जमशेद? हाँ घर से निकाल रहा है मुझे, बस अब यही बात देखना था। अम्मा कैसी बात कर रही हो, आपकी खिदमत करना तो मेरा फ़र्ज है, मैं भला क्यों जान छोड़ाऊँगा। मैं तो इसलिए कह रहा था कि यहाँ आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही, मैं सारा दिन बाहर रहता हूँ और आलिया की भी बेचारी की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ आयशा अब आपका ठीक से ख्याल रखेंगी और आपकी नवासियाँ भी तो हैं, वो आपकी खिदमत करेंगी। बाबू खिदमत ना करें हा? नवासियाँ मेरी खिदमत करेंगी, शर्म करो शर्म ज़रा। अम्मा उसकी तो खुद तबीयत ठीक नहीं है, और मैं कौन सा आपको सारी ज़िंदगी के लिए जाने का कह रहा हूँ, मैं बस जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती कुछ दिन के लिए। जमशेद मेरे बच्चे तू बहुत बोला है बेटा, तू उसकी चालबाजियाँ नहीं समझ रहा। आयशा ठीक कहती थी, ये दोनों बहनें एक जैसी हैं, वो चाहती है कि मैं मर जाऊँ और वो खुल के यहाँ पर जिए, खुल के उसका राज हो जाए। अब तब छोड़ो दफ़ा करो ना अम्मा, तुम खाओ ना, थोड़ा सा ख्याल रखो ना, दवा का टाइम तो नहीं हुआ तुम्हारी? चाहिए एक मिनट अम्मा, अम्मा अम्मा एक जहर ला दे मुझे जहर। अरे अल्लाह ना करे अम्मा, कैसे खत्म खत्म। अच्छा पानी थोड़ा सा पानी पियो, अल्लाह ना करे अम्मा कैसी बात करे। आयशा क्यों आए आप यहाँ? जाएं प्रीति दीदी के पास, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आप सुबह वाली कोई बात करने आए तो मुझे कुछ नहीं पता उस बारे में। मुझे पता है तुम और एनी मिले हुए हो एक दूसरे से। अभी मैं आपसे कह चुकी हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर एनी ने कुछ किया होता तो मुझे जरूर बताती। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, वो बेटी है तुम्हारी, तुमसे कुछ छुपाती नहीं है वो, उसकी इस घटिया हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश मत कराओ। मैं कोई पर्दा वर्दा डालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, उसे अगर कुछ किया होता तो मुझे जरूर बताती। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वो कागजात बहुत जरूरी है मेरे लिए। अब तुम्हें कुछ पता है या नहीं पता ये मैं नहीं जानता, एनी से कहो कि वो कागजात मुझे ला कर दे, वरना मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूंगा। अच्छा क्या कदम उठाएंगे, धमकी दे रहे हैं मुझे? और ऐसा क्या है जब तक आपने नहीं किया है? सब कुछ तो कर चुके हैं आप, जाए जो करना है, मैं एनी से कोई बात नहीं करूंगी। ठीक, अगर कल तक वो कागजात एनी ने मुझे ला कर नहीं दिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
کشتیوں کو بے سہارا